वेलकम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए एस्पिरेंट्स के लिए टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ऊपर में। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप एक बैकअप प्लान लेकर के चलना चाहते हैं, नीम्स एट बीएचयू जेएनयू में अगर कम रैंकिंग आ गई तो अपना आप एक साल वेस्ट नहीं करना चाहते, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज होंगी जो तगड़ी प्लेसमेंट देती होंगी, जिनका कैंपस अच्छा होगा और जहां पे प्लेसमेंट रेशियो के साथ में पैकेजेस भी अच्छे जाते होंगे, यानी कि सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज के ऊपर मैं नाम बात करने जा रहा हूं। और जब हम एमसीए के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की बात करते हैं तो इस दुनिया में सबसे पहला नाम आता है वैल्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि वीआईटी का। जी हाँ, वीआईटी का नाम इसलिए आता है ना जनाब, क्योंकि 35 लाख से भी ज्यादा का पैकेज देती है। जी हाँ, 35 लाख पर एनम से भी ज्यादा का हाईएस्ट पैकेज गया है और 9 टू 10 लाख इनका एवरेज पैकेज रहा है, जबकि मिनिमम पैकेज इनका 3 टू 4 लाख रहा है, यानी कि जबरदस्त ताबड़तोड़ प्लेसमेंट। अगर हम बात करें इनके प्लेसमेंट रेशियो कितना है, तो लगभग 85% से भी ज्यादा बच्चे इनके यहाँ प्लेस्ड हो जाते हैं। और इनकी फीस की बात करें तो 1,40,000 इनकी फीस है लगभग। आप इसके बारे में और इनके वेबसाइट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपका 60% ग्रेजुएशन में होना जरूरी है और 10+2 में मैथ्स एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। वीआईटी अपने खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, यानी कि अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एज अ बैकअप रखना है तो आप वैलोन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम पे भी नजर रखिएगा, इसका फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा। अगली जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की, तो आपका आ जाता है बीआईटी। और जी हाँ, बीआईटी मेश्रा में आपको प्रेफर करूंगा, इसके कई ब्रांचेस हैं पर बीआईटी मेश्रा का कैंपस बहुत अच्छा है, इसी जगह जाइएगा, यहाँ कंपनियां भी अच्छी आती हैं। इसमें जब मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट पैकेज 39 लाख, ये भी बहुत अच्छा है, और 7 लाख इसका एवरेज पैकेज गया है। नॉर्मल ग्रेजुएशन और 12th में 10+2 आपको यहाँ पे एलिजिबल बना देता है, इसके एंट्रेंस एग्जाम पे भी नजर रखिएगा। जब मैं दूसरे में जाता हूं तो एक यूएसआईटी आती है, यूएसआईटी ये आईपीयू यूनिवर्सिटी के अधीन के कॉलेजेस हैं, तो आईपी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज बीवीपी, एमसीए और विप्स, या फिर विप्स वगैरह को मैं आपको प्रेफर करूंगा। ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको हम आईपी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पे आती है क्वांटम यूनिवर्सिटी, ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एमसीए आमतौर पर 2 ईयर्स का रहा है, अब देख लेंगे रिसेंट में क्या चल रहा है, पर आमतौर पर यहाँ पे 2 ईयर्स का एमसीए रहा है, जहां पे सेमेस्टर फीस बात करें तो अलग अलग है, पर मैं अप्रोक्स बता दूं आप लोगों को तो लगभग आप लोगों का 1,60,000 के करीबन खर्चा आने वाला है पूरा दोनों साल को मिलाकर के, और 1,60,000 के अप्रोक्स आपकी फीस बैठ सकती है। प्लेसमेंट यहाँ के भी बहुत तगड़े रहे, एवरेज प्लेसमेंट वही 3 to 4 lakh, 5 lakh का एवरेज पैकेज गया है। अब हम बात करते हैं अग्री यूनिवर्सिटी के ऊपर में, तो अग्री यूनिवर्सिटी, अच्छा हाँ, क्वांटम यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 18 लाख गया है, तो 18 लाख तक का पैकेजेस ये क्वांटम यूनिवर्सिटी रही, यानी कि इसको इग्नोर करके तो नहीं चला जा सकता। अगर हम अपनी ब्राइट फ्यूचर के लिए अगली और पांचवी नंबर की यूनिवर्सिटी देखें तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इसमें आ जाती है, जहां पे आप लोगों का रोना रह सकता है कि यार किसी कारण से 12th में हमारा परसेंटेज गिर गया, या किसी कारण से हमारा ग्रेजुएशन में परसेंटेज गिर गया, तो ग्रेजुएशन में अगर 60% नहीं है तो कहां जाए, एमसीए दे नहीं सकते, बीएचयू दे नहीं सकते, जेएनयू दे नहीं सकते, ये सब यूनिवर्सिटी जो अभी बोली दे नहीं सकते, सब क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, तो फिर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ले लेते। यहां पे आप 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स ला करके भी एलिजिबल है, एमसीए कर सकते हैं, और ये मत सोचना प्लेसमेंट कम है, 12 लाख हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज 7 लाख का गया है। अगर हम बात करें यहाँ की फीस की तो 2.95 लाख में आपका एमसीए कंप्लीट हो सकता है। केआईआईटी, इसकी भी एक अच्छी बात यह है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसको आप निमसेट के एक पहले की तैयारी के रूप में देख सकते हैं। यहां पर भी जाने के लिए आपका 50% ग्रेजुएशन में मैथ्स होना 12th में कंपलसरी है। अगर मैं फीस की बात करूं तो एक साल की फीस 2.71 लाख है, तो यानी कि 2 लाख, दो साल की फीस लगभग 5 लाख के करीबन आपकी, 5 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा कम पड़ेगी। अगर मैं बात करूं तो केआईआईटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर बीकॉम स्टूडेंट भी एमसीए करने का सपना देख सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में बहुत खास खास बातें मालूम चलेंगी, अगर आप बीकॉम के और एमसीए करना चाहते हैं तो भी आप केआईआईटी से कर सकते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज की तो 15 लाख, और मिनिमम पैकेज की बात करूं तो 3.5 लाख और 4 लाख के आसपास गया है। अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट रेशियो 80% to 90% यहाँ पर रहता है, यानी कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेशियो है, आप प्रेफर कर सकते हैं। एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी आप नॉर्मल ग्रेजुएशन एवं बीकॉम एस्पिरेंट्स भी जा सकते हैं, 12th आपका मैथ से होना चाहिए। यहाँ की फीस 80,000 पर सेमेस्टर है, और एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस ठीक ही ठाक फीस है।
और हम बात करें यहाँ के प्लेसमेंट्स की तो 10 to 11 lakh हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 4.5 lakh और मिनिमम पैकेज 3 lakh के करीबन गया है। जब मैं बात करता हूँ थापड़ यूनिवर्सिटी की तो एमसीए के लिए ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। लगभग 90,000 इसका पर सेमेस्टर फीस है। ग्रेजुएशन में मैथ्स और 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगली मैं बात करता हूं तो धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और एमिटी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है। एमिटी यूनिवर्सिटी के कई ब्रांचेस हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, तो एमिटी यूनिवर्सिटी का ग्वालियर ब्रांच आप प्रीफर कर सकते हैं जिसकी फीस लगभग 1 lakh के करीबन होती है। प्लेसमेंट इसका भी बहुत अच्छा रहा है तो 8 lakh 9 lakh के करीबन ये प्लेसमेंट दे ही देती है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज जिन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अन्य यूनिवर्सिटीज भी आप प्रीफर कर सकते हैं। तो इसके साथ में मैंने आपको इन सभी यूनिवर्सिटीज के नाम बताए, प्लेसमेंट बताई, फीस स्ट्रक्चर बताया, तो आप इन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पे भी ध्यान रखिए। सिलेबस लगभग सबका सेम होता है तो आप एक का तैयारी करिए, अदर की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।